एक शहर में रामलाल नाम का आदमी रहता था। फिर रामलाल अपना पुराना ऑटो निकालता है और उसे फिर से चलाना शुरू कर देता है। सब कुछ ठीक तरह से चल रहा होता है। फिर एक दिन रामलाल को बहुत दूर की सवारी मिलती है और उसे घर वापस जाने में आधी रात हो जाती है। तभी रामलाल को एक औरत दिखाई देती है। वह बहुत ही सुंदर होती है और रात में अकेली खड़ी होती है। ये इतनी रात में कौन है? रोको रोको, लगता है कोई सवारी है। चलो अच्छा है, जाते जाते एक और सवारी मिल गई। अगर रास्ते में ही छोड़ना होगा तो बैठा लूंगा। फिर रामलाल ऑटो को लड़की के पास ले जाकर रोकता है। कहाँ जाना है? जहाँ तुम्हें जाना है वहीं। मैं तो अपने घर जा रहा हूँ, तुम्हें अगर रास्ते में कहीं जाना हो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, जो किराया बनेगा दे देना। मुझे जहाँ तक तुम जा रहे हो वहीं जाना है। अरे ये अजीब है। ठीक है बैठ जाइए। हटो तो, थोड़ी जगह तो दो। आगे नहीं, सवारियाँ पीछे सीट पर बैठती हैं। आप पीछे जाकर बैठ जाओ। नहीं नहीं, मैं तो तुम्हारे साथ ही बैठूंगी। रामलाल को कुछ गड़बड़ लगती है। वह उसके पैरों की तरफ देखता है तो उसके पैर उल्टे होते हैं। यह देखकर रामलाल के होश ही उड़ जाते हैं। वह बहुत घबरा जाता है। अरे राम, ये तो बहुत ही बड़ी गड़बड़ है। रामलाल तू तो आज गया, ये तो चुड़ैल लगती है, अब क्या करूं? तभी रामलाल को याद आता है कि भूतनियां तो आग से डरती हैं। उसकी जेब में लाइटर रखा होता है, वह उसे जल्दी से जला देता है। तभी वह लड़की अपने असली और डरावने रूप में आ जाती है। अरे बेवकूफ आदमी, ये क्या किया तूने? अब तू नहीं बचेगा। हा, 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 हा। फिर वो गायब हो जाती है। अरे मर गया मम्मी, भागो रे, ये तो चुड़ैल बन गई। अरे भागो रे भागो। वह बहुत तेजी से ऑटो चलाता है और शीशे से जब पीछे देखता है तो वह चुड़ैल उसे कहीं नहीं दिखती। वह बिना रुके पूरी तेजी से ऑटो को भगाता हुआ ऑटो स्टैंड पर पहुंच जाता है। वहां उसको अपना दोस्त किशन लाल मिल जाता है। अरे रामलाल, तुम यहाँ? क्या हुआ, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? तुम ठीक तो हो ना? ये लो पानी पी लो। अरे भाई क्या बताऊँ, आज तो मैं बच गया, बाल बाल बच गया। अरे हे भगवान मेरी रक्षा करो, वो यहाँ तो नहीं आ रही। हुआ क्या ये तो बताओ। क्या बताऊँ भाई, आज रास्ते में एक चुड़ैल मिल गई। क्या चुड़ैल? अच्छा क्या कह रहे हो यार? वह सारी बात रोशन लाल को बताता है। क्या यार, तुमने तो सुनहरा मौका हाथ से गवा दिया। अगर तुम उसके सिर पर हाथ मार कर एक बाल भी ले आते तो वो भी तुम्हारी गुलाम बन जाती। रहने दो भाई, मुझे ऐसा कोई लालच नहीं है, मेरी तो जान बच गई वही काफी है। रहने दो भाई, रहने दो, मैं तो चला अपने घर। हाय आज तो बच गया। फिर रामलाल अपने घर चला जाता है। ये तो पागल आदमी है जो इतना सुनहरा मौका छोड़ आया, लेकिन मैं इतना बढ़िया मौका क्यों हाथ से जाने दूं? मैं कल ही जाऊंगा उसी जगह। फिर रोशन लाल लालच में उसी जगह जाता है पर उसे वहाँ कोई नहीं मिलता, ना ही दिखाई देता है। कोई बात नहीं, मैं रोज यहाँ से निकलूंगा। दो तीन दिन के बाद उसे एक सुंदर लड़की मिलती है। रोको रोको, मुझे तुम्हारे साथ चलना है। अरे वह लगता है ये वही चुड़ैल है, चलो इसके बाल खींच लेता हूँ। वो जैसे ही उसके बाल खींचता है, अरे मर गई रे, हाय हाय तेरा नाश हो जाए, मेरे बाल क्यों खींच रहा है? अरे ये तो वो नहीं है। छोड़ ठहर जा, तुझे अभी बताती हूँ, मन चले कहीं के। फिर वो लड़की
दर्शन लाल की चप्पल से मार मार कर पिटाई करती है। अरे बहन मुझे मत मारो, माफ कर दो भाई, गलती हो गई, मैं तो तुम्हें चुड़ैल समझ रहा था। आए रे, आए मर गया। क्या कहा? मैं तुझे चुड़ैल दिखाई देती हूँ, मन चले कहीं के, ले ले और ले। फिर वो लड़की वहाँ से चली जाती है। ये सब वह चुड़ैल एक पेड़ के पीछे से देख रही होती है। हे राम, मर गया आज तो। फिर रोशन लाल घर चला जाता है और अगले दिन फिर से वहीं आ जाता है। कोई बात नहीं, हिम्मत मत हार रोशन लाल, आज ध्यान से पैरों की तरफ देखूंगा, तभी कुछ करूंगा। फिर उसे एक सुंदर लड़की दिखाई देती है। रोको रोको, मुझे तुम्हारे साथ जाना है। ये लड़की, लगता है ये वही चुड़ैल है। नहीं नहीं, पहले इसके पैर तो देख लूं, पता चला कल की तरह मेरी सुताई हो गई। जैसे ही रोशन लाल उसके पैरों की तरफ देखता है, उसका रंग ही उड़ जाता है, क्योंकि उस लड़की के पैर उल्टे होते हैं। तभी डरावनी डरावनी आवाजें आने लगती हैं। रोशन लाल बहुत डर जाता है। जी जी हाँ, आपको कहाँ जाना है? तुम्हारे साथ बैठकर जाना है। देखो, मैं ये हीरे का हार तुम्हें दूंगी। हाँ हाँ, दे दो, ये हार मुझे दे दो। वह उससे वो हार ले लेता है और उसके बाल खींचने के लिए जैसे ही हाथ बढ़ाता है, वो चुड़ैल अपने असली रूप में आ जाती है। फिर गायब होकर उसके पीछे आ जाती है, कभी गायब होकर उसके आगे आ जाती है। रोशन लाल बहुत डर जाता है। मम्मी, मम्मी मर गया, अरे बचा लो मम्मी, छोड़ दो, भगवान के लिए मुझे छोड़ दो, अरे छोड़ दो। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी लालची आदमी, मैं तेरे जैसे लालची आदमियों की ही तलाश में ही रहती हूँ। इतने में रामलाल वहाँ से सवारी लेकर गुजर रहा होता है, तभी वह देखता है कि वही चुड़ैल उसके दोस्त को पकड़कर मार रही है। हे राम, रक्षा करना, चुड़ैल बहन, ये आप क्या कर रही हैं? इसे छोड़ दो, ये मेरा दोस्त है, आप यहाँ पर लोगों को पकड़ पकड़ कर क्यों मारती हो? मैं इस मन चले को नहीं छोड़ूंगी, मैं बदला ले रही हूँ। एक बार एक आदमी ने मुझे लूट कर यहाँ मार दिया था, इसलिए मैं भी अब इसके जैसे लालची और मनचले लोगों को मार कर खा जाती हूँ। मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। क्या तुम्हारे साथ ऐसा हुआ था? ये तो बहुत दुख की बात है, पर मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ, तुम इसे छोड़ दो और शांत हो जाओ, ये अब से ऐसा नहीं करेगा। चुड़ैल बहन जी, अब से मैं ऐसा नहीं करूंगा, माफ कर दो। चुड़ैल रामलाल की अच्छाई को देखकर उसकी बात मान लेती है। रामलाल, तुम एक अच्छे इंसान हो, अगर तुम चाहते तो इस लालची के कहने पर मेरे बाल लेने दोबारा आ सकते थे, मगर तुमने ऐसा नहीं किया, सिर्फ तुम्हारे कहने पर मैं इसे छोड़ रही हूँ। और तू सुन रोशन लाल, आगे से ऐसा किया तो तुझे छोड़ूंगी नहीं। नहीं नहीं दीदी जी, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा, किसी पे बुरी नजर नहीं डालूंगा, अपनी पत्नी पे भी नहीं। ठीक है, चल भाग यहाँ से। फिर वो दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं।